ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनावी शोर आज थम गया। भाजपा और तमाम विपक्षी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हालांकि भाजपा के लिए चुनाव के पहले दो चरण जोखिम भरे हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां किसान आंदोलन से बिगड़े माहौल को भाजपा आज तक नहीं संभाल पाई और उसे नुकसान की संभावना है। भाजपा अंत तक जाट लैंड को साधने का प्रयास करती रही लेकिन नाकाम रही। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुछ ऐसे पत्ते फेंके हैं जिससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजनीति के जानकार इस बात से सहमत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर है। जयंत का भाजपा के साथ गठबंधन का अनुभव कड़वा रहा और वे लगभग हाशिए पर जा चुके थे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत इतनी समृद्ध है कि पश्चिम की जनता अब उन्हें खुद गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार है। उन्होंने बिजनौर की धरती से घोषणा की थी कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम किसानों के लिए नई योजना बनाएंगे, और 5 साल चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, ना कोई योजना सरकार बना पाई। पिछले साल उनके पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उन्हें जनता की जबरदस्त सहानुभूति हासिल हुई है। जयंत के पिता मरहूम अजीत सिंह और उनके दादा चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति का दिल्ली पर गहरा प्रभाव रहा है। प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने बागपत में सभा को संबोधित करते हुए इमोशनल कार्ड चल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई नहीं है क्या, कोई मेरा ना भी हो लेकिन सारा बागपत मेरा परिवार है। उन्होंने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए जनसभा में कहा कि आप लोग गर्मी बना कर रखना। आप खुद सुनिए कि उन्होंने कैसे जनता से भावनात्मक अपील की है। योगी जी कह रहे हैं 80-20, कितने गैर जिम्मेदाराना बयान है 80-20, वो तो 100% के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं बड़े खुले दिल से कहता हूं, क्षेत्र ने अगर आशीर्वाद दे दिया हमारी सरकार बने, बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में शायद वोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा दिल छोटा नहीं है, इसकी चिंता मत करना। कोई भेदभाव नहीं होगा सरकार में, कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त किसी की नहीं होगी। ये मान लेना मेरा कोई अपना नहीं, लेकिन ये पूरा बागपत मेरा परिवार है, मैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी मेरी होगी। उधर ममता बनर्जी भी अखिलेश के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उत्तर प्रदेश पहुंच गई और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मतदान पर असर डालने के लिए काफी है। ममता ने तो भाजपा की दुखती नस पर ही हाथ रख दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी कांड की याद दिला दी। उन्होंने ये भी दावा किया कि यदि भाजपा उत्तर प्रदेश में फतह करती है तो मोदी दोबारा कृषि कानूनों को लागू करेंगे। जाट लोग क्या मेहनत नहीं किया किसान आंदोलन में, 7 महीना हमारा किसान लोग रास्ता में पड़ रहा है, और आपको मिनिस्टर का बेटा जाके गरी चला के उसको मर दिया। माफी तो मांगो, शर्म है, कोई शर्म है तो माफी मांगो पहले। किसान आंदोलन को साथ में पहले भी थे, मैं 26 डे संघर्ष स्ट्राइक किया था किसान का जमीन बचाने के लिए। आज भी कहने चाहूंगी किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। आज वोट के लिए और किसान के आंदोलन के लिए 3 बिल वापस किया, लेकिन काल जीत जाएंगे तो फिर उसको ले आएंगे और कोई रूप से। उन्होंने सभी दलों से एक होकर भाजपा को हराने की अपील की है। उनकी अपील कितनी कारगर हुई ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। उधर मेरठ में प्रियंका गांधी का ट्रैक्टर रोड शो भी काफी चर्चा में रहा। प्रियंका ने ट्रैक्टर पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और उन्हें देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी।
सचिन काबा छड़ी। यूपी चुनाव में गेम चेंजर कहलाने वाले राजभर पिछड़ा समाज के बीच जनसभाएं कर रहे हैं और अपने चुटिले भोजपुरी अंदाज से भाजपा पर हमले दर हमले कर रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है और वे लोगों से भाजपा को छड़ी मारकर भगाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा को 3 सीट मिली थी, उससे अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी में कितनी मिलेंगी। आप देखिए कि वे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह काबा छड़ी, भाजपा का हो जाए खटिया। छड़ी का मेला भी होता है। छड़ी का मेला होता है, तो बहुत सही जगह है अगल भाई। हम लोग जब मुजफ्फरनगर में ये डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं और थूक लगा के बांट रहे हैं, घर घर कोरोना फैला रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं कोरोना फैल रहा है, मास्क लगा के चलिए, तो ये थूक लगा के बांट रहे हैं। सोचना चाहिए इनको ना कि हम क्या कर रहे हैं। और दिल्ली में 3 सीट मिली, अब उसी से जोड़ लीजिए कई सीट पाएंगे। 70 वहाँ है, यहाँ 403 है। देखिए एक बात आपको बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत बोलते हैं। और इतना आप देहात का हम रहे वाला मनई है, दिहतिया में ना जब भूत सतावाला तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ल ना कि संकटते हनुमान बचावें भूत पिशाच से जान बचावें। वैसा ही भाजपा वाले कुल हाय अखिलेश अरे बप्पा ऐसे ही चिल्लाता हुआ सर। तो देखा आपने, सबके अपने अपने दावे हैं और सबकी अपनी अपनी भीड़। लेकिन आप यह भी समझिए कि सारा कंफ्यूजन इस भीड़ ने ही खड़ा किया है। देखने पर तो सभी के पास भीड़ दिखती है। योगी की चुनावी सभाओं में जन सैलाब है तो अखिलेश की सभाओं में भी वैसा ही नजारा देखने को मिलता है। जयंत भी अच्छी खासी भीड़ के बीच दिखाई देते हैं। भीड़ हर जगह मौजूद है, लेकिन किसकी भीड़ वोटों में तब्दील होती है ये 10 मार्च को साफ हो पाएगा। पहले चरण के चुनाव पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करें।